सो गाइज आज आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो होने वाला है हम लोग का वो सिख गुरुज एंड दियर वर्क विथ रिलेटेड फैक्ट्स। आज इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे जो मतलब सिखिज्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिखिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिख में जो हुए थे टोटल 10 गुरु हुए थे और सिखिज्म की जो एस्टेब्लिशमेंट किए थे वो गुरु नानक किए थे। ये गुरु नानक हैं और 10ों जो गुरुज हैं उनके पूरे साथ और पूरे एनालिसिस के साथ आज ये वीडियो आप लोग को दिखे बताने वाले हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए लास्ट तक। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो शुरू करते हैं इस वीडियो में। अब आपको मैं पहले बता चुका है और पहले ही पता चल गया होगा आपको थंबनेल में कि हम किस चीज पे आप बात करने वाले हैं। वो है हमारा टॉपिक सिख गुरुज एंड दियर वर्क। तो सिख गुरुज के बारे में पहले देख लेते हैं। तो सिख टोटल सिख मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल सिख में कितने गुरु हुए थे, वो हुए थे 10। और सिख जो सिखिज्म के जो एस्टेब्लिशमेंट करने वाले थे वो थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक थे। तो इस तरफ देखिए आपका पूरा इस रो में आपका पूरा सिख गुरुज एंड रिलेटेड फैक्ट्स दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारे साथ, देखिए आप लोग भी रिवाइज करते रहिए ताकि आसानी से याद हो जाए। सो पहले जो है वो गुरु नानक जो 1469 से 1539, तो 1469 में इनका जन्म हुआ था और 1539 तक ये मतलब गुरु के पद पर रहे। और इन्होंने ही फाउंडेड सिख रिलीजन, इन्होंने ही सिख रिलीजन का फाउंडेशन किया था। और दूसरे जो है ये नंबर वन क्या है, और दूसरे जो है गुरु अंगद जो गुरु के पद पर रहे हैं वो 1539 से 1552 तक। ये देखिए पहले वाले में इनका जन्म दिया गया है, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ था और वो 1539 तक गुरु के पद पर रहे थे। ठीक है, और दूसरे वाले में गुरु अंगद का जन्म नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है। गुरु अंगद का ये जब पद पे उस गुरु के पद पर आए 1539 से 1552 तक ये हुआ है। और इन्होंने क्या दी, इन्वेंटेड गुरुमुखी। गुरुमुखी एक प्रकार की लिपि है, गुरुमुखी एक लिपि है जो कि उनके, हाँ गुरुमुखी एक मैं आपको बता रहा, गुरुमुखी एक प्रकार की लिपि है। और फिर जो तीसरे हैं वो गुरु अमरदास 1552 यानी गुरु अंगद के बाद तीसरे नंबर के 1552 से 1574 तक। और इन्होंने क्या किया, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं, फॉट अगेंस्ट सती प्रथा के मतलब अगेंस्ट विरुद्ध ये लड़े हुए थे एंड एस्टेब्लिश 22 गाइडियंस टू स्प्रेड सिखिज्म। और 22 गद्दियंस को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था सिखिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और फिर आपको चौथा बताते हैं गुरु रामदास 1574 से 1581 इन्होंने अमृतसर की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना किसने की, तो वो कौन थे, हु फाउंडेड द अमृतसर, तो गुरु रामदास अमृतसर के फाउंडर थे। ठीक है, और फिर गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक। और इन्होंने क्या किया था, फाउंडेड गोल्डन टेम्पल एंड कंपोज्ड आदि ग्रंथ इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। ठीक है, ये कंपोज द आदि ग्रंथ किसने लिखा, गुरु अर्जुन देव। उन्होंने गोल्डन टेम्पल, सूर्य मंदिर, स्वर्ण मंदिर की स्थापना, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना किया था। ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है गुरु हरगोबिंद 1606 से 1645 तक, एस्टेब्लिश्ड अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना किया था। ठीक है, और नेक्स्ट में जो है वो गुरु हर राय 1645 से 1666 तक, सपोर्टेड दारा सिखो अगेंस्ट द औरंगजेब, मतलब कि दारा सिखो को ये सपोर्ट करते थे औरंगजेब के विरुद्ध जो थे। ठीक है, तो ये उनको सपोर्ट करते थे। और फिर आगे जो है वो गुरु हरकिशन डाइड इन द अर्ली एज, ये मतलब बहुत ही जल्दी इनकी डेथ हो गई है, आप खुद देख सकते हैं। 3 साल ये गुरु के पद पर रहे थे, 1661 से 1664। ठीक है, और जो गुरु तेग बहादुर बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें औरंगजेब ने एक्सक्यूट कर दिया था, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया था, 1664 से 1675 तक ये गुरु के पद पर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, ये बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर जगह। और जो दो तीन चीज़ें इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो आपको कहीं भूलना ही नहीं है, जो हु फाउंडेड अमृतसर में आपका आएगा ये हु फाउंडेड अमृतसर, गुरु रामदास और गोल्डन टेम्पल एंड कंपोज्ड आदि ग्रंथ और गोल्डन टेम्पल्स। स्वर्ण मंदिर की एस्टेब्लिशमेंट किसने किया, फाउंडेशन किसने किया,
तो 1581 से 1506 तक जो गुरु के पद पर रहे हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर और आदि ग्रंथ कंपोज किया था, ठीक है। और जो ये आपको बता देते हैं, गुरुमुखी, गुरु ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और गुरुमुखी ये इन्वेंटेड गुरुमुखी जो गुरु अंगद थे, गुरु अंगद जो कि दूसरे नंबर के गुरु थे सिखिज्म के, इन्होंने इन्वेंटेड गुरुमुखी गुरुमुखी लिपि की खोज की थी, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना है, और बने रहिए अगले वीडियो के लिए। अगर देखिए अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी टॉपिक्स आएंगी। Please subscribe this channel for more updates.